हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनर्वा जनरल क्लास गोरिया कोठी में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम एक मज़ेदार चैप्टर लाभ तथा हानि प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं। बहुत से छात्रों का यह ख्वाहिश था, भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो बनाइए, तो चलिए हम आज इसको देखते हैं। तो देखिए, हमेशा क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल हमें ध्यान रखना है, हमेशा होता है 100%। क्रय मूल कितना हो जाएगा? 100%। और विक्रय मूल क्या होता है? तो अगर लॉस हो, अगर क्या हो, हानि हो, तो विक्रय मूल का प्रतिशत हो जाएगा 100% माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अगर विक्रय मूल जो हो वो प्रॉफिट पे हो, विक्रय मूल किस पे हो, लाभ पे हो, तो उसका परसेंटेज हो जाता है विक्रय मूल का प्रतिशत 100% प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो जहाँ भी विक्रय मूल निकालने के लिए कहेगा वहाँ हम क्या करेंगे, तो 100 में अगर यदि हानि हो रहा है तो 100 में हानि प्रतिशत घटा देंगे और उससे गुना कर देंगे, तो विक्रय मूल आ जाएगा हानि पे। और जहाँ भी लाभ हो रहा है हम क्या करेंगे, 100% में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल आ जाएगा लाभ पे। और जहाँ भी क्रय मूल निकालना हो हमेशा क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, आपका क्रय मूल आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। इस प्रकार इतना ही मात्र फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम लाभ तथा हानि जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास देता हूं कि ये चैप्टर जो है बहुत आसानी से आप बना पाइएगा और बिल्कुल इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 1600 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु को 1600 रुपया बेचने से 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल ज्ञात करें। तो बस सिंपल से फॉर्मूला है, विक्रय मूल कितना है, 1600 रुपया। विक्रय मूल कितना है, 1600 रुपया, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, तो 25%। तो विक्रय मूल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 125% बराबर 1600 के बराबर कर दीजिए, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1600 बटा 125। और चूंकि क्रय मूल 100% होता है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 1600 बटा 125 गुना 100 आपका आंसर आ जाएगा। गुना कर लीजिए, इस प्रकार 1280 रुपया आपका क्रय मूल हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से क्रय मूल निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को, या हम कर देते हैं, किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है तो क्रय मूल ज्ञात करें। किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है तो क्रय मूल ज्ञात करें। फिर उसी प्रकार भी हम इसको बना लेंगे, तो 10% हानि पे बेचा है कितने में, 3600 रुपये में। 10% हानि पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो विक्रय मूल का प्रतिशत क्या होगा, तो 100 में से 10 घटा लीजिए, 90% बराबर कितना हो गया, 3600। तो 100% आपको निकालना है तो हो जाएगा 3600 बटा 90 गुने 100, 40 में 100 से गुना कर दिया आपका आंसर आ जाएगा 4000।
इस प्रकार हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, न ही किसी फॉर्मूले की जरूरत है, आप आसानी से इस प्रकार क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लाभ हानि दोनों पे हम एक एक क्वेश्चन बनवा दिए। चलिए अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 4800 रुपया में खरीदा गया, कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदा गया, कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो अब क्या निकालना है आपको, तो अब निकालना है विक्रय मूल्य, वो भी लाभ पे। तो क्रय मूल्य है 4800 रुपये, क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होता है 100%, तो 100% बराबर 4800, तो 10% लाभ है, तो 110% आपको निकालना है। तो 4800 बटा 100 गुने 110 कर लेंगे, गुना कर लेंगे 11 8 88 11 4 44 और 8, इस प्रकार आपका आ जाएगा 5280 रुपये। ठीक है, इस प्रकार यह विक्रय मूल्य निकल गया लाभ पे। चलिए विक्रय मूल्य हानि पे भी निकाल लेते हैं। किसी वस्तु को 7200 रुपया में खरीदा गया, कितने में बेचे कि 20% का हानि हो। यदि किसी वस्तु को 7200 रुपये में खरीदा गया, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो उसी प्रकार इसको भी आप बना सकते हैं, कितने में बेचे कि 20% का हानि हो। तो वही बना लेंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा 7200, तो 1% बराबर कितना हो गया 72, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 × 80 कर लेंगे। इस प्रकार 5760 रुपये आपका हो जाएगा। इस प्रकार ही हमने निकालना सीख गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, चाहे वस्तु लाभ पे बेची गई हो या हानि पे बेची गई हो। इस प्रकार आप आसानी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीख गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने में बेचे कि 20% हानि हो। इस प्रकार यह एक क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है, यह एग्जाम में अधिक आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और बहुत ही आसान है इसको बनाना, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने में बेचे कि 20% हानि हो। तो इस प्रकार कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, कितने बेचने पर 4800 रुपये में, तो 4800 रुपये में आप बेचिएगा तो 20% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में 20 जोड़ दें, 120% बराबर 4800। कितने में बेचे कि 20% का हानि हो, तो 20% हानि यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत हो जाएगा 80%। तो इस प्रकार 1% बराबर 40 है, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 80 में 40 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3200 रुपये। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान यही देना है कि जहां वह पहले लाभ कहेगा तो लाभ के प्रतिशत से बराबर कर दीजिए, और निकालना है अगर लाभ ही तो लाभ परसेंटेज के गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर पहले हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि में बेचा हुआ है, तो हानि प्रतिशत से बराबर कर देंगे। अंत में भी हानि ही निकालना है तो हानि के परसेंटेज से गुना कर देंगे, या अंत में लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत किससे
गुना कर देंगे, आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी ने दो वस्तु 1200 रुपया में खरीदा, पहला को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान आया, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने दो वस्तु 1200 रुपये में खरीदा, पहला को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा, बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान आया, तो दोनों वस्तु का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 है और दूसरा का ₹y है। एक का क्रय मूल्य हो गया ₹1 और दूसरा का ₹y है। तो कह रहा है कि एक को बेचा है 20% के लाभ पे, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना हो जाएगा 120%, और दूसरे को बेचा है 20% के हानि पे, तो विक्रय मूल्य का क्रय प्रतिशत कितना हो जाएगा 80%, कटा देंगे इसे। इस प्रकार x बटा y हम ले लेते हैं तो कितना आ गया 2:3। इस प्रकार यह जो 1200 रुपया है उसको 2:3 के अनुपात में बांट कर हम आराम से निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे 2×3 5x बराबर 1200। इस प्रकार पहले वस्तु का क्रय मूल्य 240 में 2 से गुना कर देंगे 480, और दूसरा में हो जाएगा 240 में 3 से गुना कर देंगे ₹720। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा यह जो ट्रिक जो है कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहे 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं किसी अगर 12 वस्तु आप खरीदते हैं और उसको बेचे उतना रुपया जितना में 12 वस्तु आप खरीदते हैं उसको अगर प्राप्त करने के लिए आपको 16 वस्तु बेचना पड़े तो क्या होगा, आपको हानि होगा। यानी हमें देख लेना है कि क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य का वस्तु क्या हो ज्यादा हो तो हमेशा क्या होगा हानि होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा हानि होगा। तो यहाँ कितने वस्तु का हानि हो रहा है 4 वस्तु का, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 4×100 अबटा। अब बहुत लोग कहते हैं कि 12 रखना नीचे रखिए क्योंकि क्रय मूल्य 12 है, तो अच्छा तो 16 वस्तु उसके पास आया कहाँ से, इसका अर्थ यह हुआ कि वो 16 वस्तु खरीदा हुआ है, 16 रख देंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 25%। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम यहां कर दें 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो 20 वस्तु जितना में खरीदे हो उतना प्राप्त करने के लिए मात्र हम 15 वस्तु बेच रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है, तो लाभ कितना वस्तु का हो जाएगा? तो 20 में से 15 चला गया तो 5 वस्तु का आप लिख दीजिए लाभ प्रतिशत। तो 5 × 100 आवटा विक्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना है इस वस्तु में, हमेशा यह ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या रखना है, विक्रय मूल्य नीचे रखना है। यही एकमात्र एक क्वेश्चन है जिसमें विक्रय मूल्य नीचे रखा जाता है, बाकी और सब क्वेश्चन में क्रय मूल्य ही नीचे रखा जाता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालते वक्त। चले आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बारह वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि 12 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेंगे 12 वस्तु को बेचा 12 रुपये में, 1 वस्तु को बेचा 1 रुपये में, तो 12 वस्तु को बेचेगा 12 रुपये में, तो 4 वस्तु को कितने में बेचा होगा 4 रुपये में। तो इस प्रकार 12 वस्तु को बेचा 12 रुपये में, तो 4 वस्तु को बेचा 4 रुपये में, तो 4 रुपये उसका लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना होगा? तो 12 में से 4 घटा लेंगे यानी 8 रुपये में वो खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल देंगे लाभ प्रतिशत। 4 × 100 आवटा खरीदा कितने में है? 8। कितना आपका आ जाएगा? 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत के लिए हम देख रहे हैं कि 1 वस्तु को बेचा 1 रुपये में, तो 12 वस्तु को बेचेगा 12 रुपये में, तो 3 वस्तु को बेचेगा 3 रुपये में, इस प्रकार 3 रुपये उसे हानि हुआ। तो जब हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इस प्रकार हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 100 अब बटा 12 और 3 या 15 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 20%। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लाभ हानि का जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही कह सकते हैं सरल भाषा में आप पढ़ रहे हैं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है, मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचा। एक व्यापारी ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचा। यदि 50 रुपये अधिक में बेचता, तो 15% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचा, यदि 50 रुपये अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए हम जानते हैं कि
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 10% लाभ आ और फिर दे दिया है 15% लाभ। अगर लाभ से लाभ पर लाभ दोनों लाभ हो तो क्या करेंगे, हम दोनों को घटा लेंगे, ज़्यादा वाला लाभ में से कम वाला लाभ को घटा लेंगे। अगर एक यानी दोनों अगर सेम रहेगा, दोनों हानि हानि रहेगा, यहाँ हानि हो यहाँ हानि हो या यहाँ लाभ हो यहाँ लाभ हो, तो बड़ा वाला लाभ में से छोटा वाला लाभ घटा लेंगे और किसके बराबर कर देंगे, जितना रुपया दिया है उसके हम बराबर कर देंगे। 1% का मान आ जाएगा, क्रैमर 100% होता है, 100 से गुना कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक यहाँ लाभ दिया है यहाँ हानि दिया हो तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़कर जितना रुपया कम में बेचेगा या जितना रुपया अधिक में बेचेगा उसके बराबर कर देंगे। तो दोनों अगर अलग अलग हो तो दोनों को जोड़कर बराबर करना है, दोनों अगर सेम हो तो दोनों को घटाकर बराबर कर देंगे। 1% का मान आ जाएगा और 100 से गुना कर देंगे 100% आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ भी लाभ है यहाँ भी लाभ है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 15 में से 10 गया 5%, किसके बराबर है 50। 1% बराबर कितना आ गया 10, इस प्रकार 100 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये क्रैमोल हो गया। ठीक है, कितना बेस्ट, कितना आसानी से बन रहा है। इसलिए आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए एक और देख लेते हैं, लाभ तथा एक पे लाभ हो एक पे हानि हो। उसके लिए एक व्यापारी ने एक वस्तु 5% के लाभ पर बेचा, यदि 80 रुपये का यदि 80 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का हानि होता, वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एगो में लाभ है एगो में हानि है, दोनों अलग अलग है, तो इस प्रकार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 5, 10% किसके बराबर हो जाएगा 80 के, और 100 से गुना कर देंगे आपका क्रयमूल कितना हो जाएगा 800 रुपये। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाभ हानि का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।